चाय वाला जो सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता होगा, आप लोगों की प्रतीक्षा में लगता होगा, उसकी भी अपनी कहानी होगी। आभार व्यक्त करना चाहूंगा हृदय से कि मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच आने का, जो शायद वो अपन छोड़ आई थी। कुछ ही क्षण में उसकी बीती जिंदगी उसके सामने थी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उन कागजों में बात पुरानी थी, कुछ ठहरे से पल थे तो कुछ बीती यादें सारी थी। चिड़ियों का छज्जे पर आकर यूं चहचहाना और उसका अपनी आवाज दे उनका साथ निभाना। अब कहानी शुरू करें, थोड़ा डरना है। और उनका कारोबार पूरे विश्व में फैला था, लेकिन हाल ही में वो गबन यानी पैसों की हेरा फेरी के लिए सुर्खियों में छाए थे, पुराने जेल में ले जाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी में बैठे विक्रमजीत ने बाहर की ओर देखते हुए अपना फोन हाथ में ले लिया और एक नंबर पर कॉल कर दिया। इस प्रश्न ने विक्रमजीत को दुविधा में डाल दिया, क्या मैं सच बोलूं? कल उस व्यक्ति ने वो सच पुलिस को बता दिया तो मेरे पुराने गुनाह भी लोगों के सामने आ सकते हैं, पर अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो मुझे वैसे भी मार देगा। वो अपने बड़े नाखूनों से जेल की दीवार को खरोचने लगा। उसके नाखूनों से दीवार पर गहरे निशान पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई वहशी दरिंदा हो जो बस अपने अंदर के शैतान पर किसी तरह काबू पा रहा हो। अचानक उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने उसे एक कागज दिया था। विक्रमजीत ने तुरंत जेब में हाथ डाला पर हैरान तब रह गया जब पाया वो कागज सच में उसकी जेब में है। उसमें लिखा था, तुमने खुद को मुझसे इस बार तो बचा लिया, लेकिन आगे कैसे बचोगे? वो शैतान जो तुम्हारे अंदर है उससे कब तक बचोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें दूसरा मौका क्यों मिला? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे वापस आने का, और इस बार तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं हम सब के अंदर एक शैतान, लेकिन आज भी जब देर रात संदीप अपने घर अकेला होता है तो इसी डर में जीता है कहीं कोई दरवाजे पर दस्तक न दे दे। पेंटिंग की वैलेंटाइन खोल खड़ी थी, वो खुली आंखों से आज अपना सपना सामने देख रहा था। रंगे जी ने बिना कुछ बोले ही बैग से अपनी पेंटिंग निकाली और सामने खड़ी लड़की को दिखा दी। ये रही आपकी पेंटिंग। वो लड़की उस पेंटिंग को देख हैरान हो गई। रंगे जी की कल्पना सच हो चली थी, उसकी खोज आज खत्म हो गई थी। वो उसे पा चला था जिसके लिए वो सब कुछ लुटा चला था। शाम ढलने लगी और उन दोनों की बात बढ़ने लगी। इसी के साथ मैं इस कहानी और फिर से अपनी चल रही वाणी को विराम देता हूं।